दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और एमएस धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद से हार के बाद ना पूरी तरीके से रो पड़े ऋषभ पंत अपने बयान में, लेकिन दोस्तों वो जो कुछ भी कह के गए ट्रेविस हेड और पैट कमिंस पर उन्हें हार का मुख्य जिम्मेदार बताते हुए वो सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। दिल्ली के स्टेडियम में एसआरएच से बुरी तरीके से रगड़े जाने के बाद, हारने के बाद दोस्तों पंत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और एमएस धोनी में बेहतर खिलाड़ी विकेटकीपर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में ऐसी कोई टीम नहीं बची होगी जिसे एसआरएच का खौफ नहीं होगा। अरुण जेटली स्टेडियम में एसआरएच का सामना दिल्ली कैपिटल्स की टीम से था और यकीन मानिए पहले 6 ओवर देखकर लगा था कि ये मुकाबला पूरा देखना व्यर्थ होगा, क्योंकि एसआरएच ने इस मैच को 6 ओवर के अंदर ही जीत कर अपने नाम कर लिया था। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि एसआरएच के तगड़े ओपनर ट्रेविस हेड 32 बॉल में 6 छक्के 11 चौके लगाकर 89 रन बनाते हैं। अभिषेक शर्मा 12 बॉल में 46 रन ठोकते हैं, 6 छक्के लगाते हैं। नीतीश रेड्डी 27 में 37 आगे, शाहबाज अहमद 29 में 59, यानी कि टोटल बनता है 266। 266 रन, ये टीम आईपीएल में तीसरी बार 250 से बड़ा स्कोर बनाकर गई है और ये वन ऑफ द आईपीएल का सबसे बड़े स्कोर में से एक भी बन चुका है। अब हर मैच में बड़े स्कोर के रिकॉर्ड बनेंगे तो जीतने वाली टीम का तो पहले से ही परिणाम मिलेगा ना हमें, एसआरएच की टीम को ही जीतना था। खैर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेस करते हुए शुरुआत ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर सस्ते में निपट गए, लेकिन जेक फ्रेसर मैक्रिक एक ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने 18 गेंदों में 7 छक्के 5 चौके लगाकर 65 रन बनाए और अभिषेक पोरेल ने भी 22 में 44 रन लगाकर ना मैच में जान फूंक दी थी। लेकिन अफसोस के ऋषभ पंत को आगे चलकर जोड़ीदार मिल नहीं पाया और उनकी 44-50 रन की पारी व्यर्थ रह गई, क्योंकि उससे टीम जीत नहीं पाई। 9 बॉल में 70 रन चाहिए थे, जिसके बाद दोस्तों दिल्ली की टीम हार गई, वो भी बुरी तरीके से। खैर दोस्तों स्कोर ही इतना बड़ा था कि चेस करना नामुमकिन तो था ही, लेकिन हारने के बाद ना ऋषभ पंत का बयान पैट कमिंस और ट्रेविस हेड पर कुछ ऐसा आया है कि सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। क्या आखिरकार दोस्तों पंत क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने इतनी बुरी हार के बाद अपने बयान में कहा, अपने मैदान में इतनी बुरी हार मिलेगी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी सोचा नहीं था। एक वक्त पर लग रहा था कि मैच में केवल एक ही टीम खेल रही है, शुरुआती 6 ओवर तो काटने इतने मुश्किल थे एक कप्तान के तौर पर कि मैं बता नहीं सकता। उस वक्त पर कोई रणनीति नहीं आ रही थी दिमाग में, बस यही चल रहा था कि गेंदबाज कैसे भी करके अपनी याददाश्त को वापस लाएं और जो हमने प्रैक्टिस की है उसमें जो सिचुएशन हमने फेस की है और जो फैसले हमने लिए उस पर वापस से आके अटल हो जाएं। वो हुआ भी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि 2 खिलाड़ी टीम को मोमेंटम दे चुके थे जो एक बड़े स्कोर तक उन्हें ले जा रही थी और जिसके बाद एक अच्छा खासा टोटल बना और 267 चेस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हमारी टीम के कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रयास किया, उनकी तो तारीफ करूंगा लेकिन बाकी खिलाड़ियों की नहीं, क्योंकि आज जिस कदर पैट कमिंस ने कप्तानी करी, हमारे हर एक खिलाड़ी को मेंटली टॉर्चर सा किया गया है मैदान में। और ट्रेविस हेड के बारे में तो क्या ही कहूं, ये एक ऐसे बैट्समैन है जिनको मैंने पहली दफा देखा है और उनको मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरुण जेटली स्टेडियम में जो उनकी पारी थी वो एक खूनी पारी साबित हुई हमारे लिए, तो अगर ये ना होते ना तो दिल्ली की टीम पक्का जिता कर आता मैं। हमारी भी बहुत बड़ी गलती रही और उम्मीद है इस गलती को जल्दी ठीक करके हम एसआरएच को राउंड कर दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें भी पूरा होमवर्क करना होगा। टीम के खिलाड़ियों की बार बार गलती हमें कभी जीतने ही नहीं देगी एसआरएच से। दोस्तों पंत बुरी तरीके से भड़के, लेकिन जानते हैं कि पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की वजह से ही हारे हैं। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, पंत और कमिंस में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। तो अगर आप ऋषभ पंत और केएल राहुल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और उनके फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब बीच मैदान में ही गुस्से से आग बबूला ऋषभ पंत अंपायर पर बरस पड़े, केएल राहुल को गाली देते हुए उनसे लड़ाई की, तब वह खौफनाक लम्हा देखकर पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। आखिर क्यों ऋषभ पंत बीच मैदान में अपना आपा खो बैठे, आखिर कैसे धोनी बनने के चक्कर में ऋषभ पंत ने अपनी बेइज्जती करवा ली, आखिर क्यों केएल राहुल ने उन्होंने बदतमीजी की, क्या था वह लम्हा जिसने पंत को केवल एक मजाक बना दिया। बीच मैदान में इन दो दिग्गजों के बीच हुई भयंकर लड़ाई का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंत और राहुल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2024 में सबसे घटिया प्रदर्शन दिल्ली ने ऋषभ पंत कप्तानी में किया, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद दिल्ली के सामने अब आईपीएल के 26वें मैच के लिए लखनऊ की टीम इकट्ठी थी। इकाना स्टेडियम में दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला, लेकिन केएल राहुल कमाल की बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने बेरहमी से दिल्ली के गेंदबाजों की पिटाई की, लेकिन तभी दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने बीच मैदान में गाली गलौच और भयंकर विवाद करते हुए जो किया उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया और बीच मैदान में इस लम्हे ने पूरे क्रिकेट जगत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
जी दोस्तों, आपको बता दें ऋषभ पंत लखनऊ के खिलाफ भी बेहद आक्रामक अंदाज में मैदान में उतरे और पारी के चौथे ओवर में जब गेंदबाजी करने ईशांत शर्मा आए तब उनकी चौथी गेंद पर इक्कल के पैरों की दिशा में सीधा पंत के हस्तस्थानों में गई और अंपायर ने उसे वाइड दे दिया जो बिल्कुल सही माना जा रहा था। लेकिन अंपायर का यह फैसला देखकर पंत अपना गुस्सा काबू में ही नहीं रख पाए, वह तो गेंदबाज से रिव्यू लेने की अपील करने लगे। वहीं अचानक दौड़ते हुए अंपायर के पास जाते हैं और उन्हीं से बहसबाजी करने लगते हैं। उन्होंने अंपायर के फैसले का विरोध तो किया लेकिन खुद रिव्यू लेने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसी बात पर अंपायर ने भी उनकी जगह दिखाते हुए चुपचाप विकेट कीपिंग करने के लिए भेज दिया और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अंपायर से लड़ाई लड़ी वहां देख कर हर कोई हैरान रह गया। इतने में ऋषभ पंत बाज नहीं आए, वह तो केएल राहुल से जुबानी जंग में उलझ गए। दोनों खिलाड़ियों को बातचीत करते हुए देखा गया जहां ऋषभ पंत बेहद गुस्से में लग रहे थे, वहीं राहुल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पंत की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि वैसे उन्हें राहुल की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। उन्होंने तो राहुल की बेइज्जती करनी चाहिए लेकिन बदले में वो अपना ही मजाक बना बैठे और धोनी बनने के चक्कर में ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बीच मैदान में बदतमीजी की, खेल भावना का मजाक उड़ाया, किसी को यह उनका अंदाज पसंद ही नहीं आया। यहाँ इन दोनों दिग्गज भारतीय सितारों के बीच हुई धमाड़ी ने हर एक हिंदुस्तानी का दिल तोड़ दिया है और यह लम्हा आग की तरह वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसमें पंत की गलती थी या नहीं? ऋषभ पंत और केएल राहुल में आप किसे सबसे बेहतरीन विकेटकीपर और बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।